Morning, children. How are you all? I hope all of you are good and fine and doing well in your studies with the help of these online classes. Are these helpful for you? क्या आपके लिए helpful हैं online classes? Okay. Today in our EBS class we will revise our chapter family, our family and its different types, similarities among the family members. Get togethers of our family members. How do we help our family members? All these points already you learnt, and that's why today we will revise again. आप सभी अपनी पहले क्लास में रीड कर चुके हैं, revise आज हम वापस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए. What is a family? परिवार क्या होता है? When we live with our family members together. जब हम एक साथ हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं वो हमारा परिवार होता है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैमिलीज इन द पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैमिलीज स्मॉल फैमिली बिग फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली एक्सेट्रा. बहुत तरीके की फैमिलीज होती हैं. छोटा परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार जिसे बिग फैमिली भी कहा जाता है, एंड सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें बच्चे अपने मम्मी या पापा के साथ रहते हैं. अ फैमिली इन विच फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. और वी कैन से अ स्मॉल फैमिली जिसमें तीन या चार लोग होते हैं, पेरेंट्स फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन मम्मी पापा और उनके बच्चे. तीन से चार लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसे न्यूक्लियर फैमिली या छोटा परिवार कहा जाता है. Joint family, a family in which the parents, grandparents, uncles, aunts and cousins live together is called a joint family. बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी चाचा चाची बुआ उनके बच्चे सब साथ रहते हैं तो joint family होती है, बड़ा परिवार. In the picture easily you can see in a small family only 4 members are there and in a big family more than 8 members are living together. Single parent family, a family in which children live either with their father or mother is called a single parent family. ऐसा परिवार जिसमें बच्चे या तो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं या अपने पापा के साथ, उन्हें single parent family कहा जाता है. Now the different relations of our family members, we call grandparents to our दादा दादी एंड नाना नानी. हम हमारे दादा दादी और नाना नानी दोनों को grandparents बोलते हैं. हमारे मामा चाचा सबको हम अंकल बोलते हैं. हमारी मौसी चाची बुआ सबको हम आंट बोलते हैं. तो how we can differentiate, हम कैसे पता करें कि कौन आपके चाचा हैं कौन आपके मामा हैं? तो इसके लिए the relatives of your father's side are called paternal relatives. जो रिश्तेदार आपके पापा की तरफ से हैं, जैसे आपके दादा दादी आपके चाचा चाची, इन सबको पैटर्नल रिलेटिव्स कहा जाता है. तो आपके पापा के भाई आपके क्या हुए? पैटर्नल अंकल. क्लियर? सी इन द सेम वे द रिलेटिव्स ऑफ योर मदर साइड आर कॉल्ड मैटर्नल रिलेटिव्स. आपकी मम्मी के साइड के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें मैटर्नल रिलेटिव्स कहा जाता है. अगर मामा हैं तो हम क्या कहेंगे? मैटर्नल अंकल यानी मामा. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स. आपके पापा की तरफ के रिश्तेदार जिन्हें आप पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे और आपकी मम्मी के साइड के रिश्तेदार जिन्हें आप मैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे. क्लियर? सिमिलरिटीज अमंग द फैमिली मेंबर्स. वी लुक सिमिलर टू आवर फैमिली मेंबर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन फिजिकल फीचर्स. आप लोगों ने सुना होगा राहुल की आंखें बिल्कुल अपने मम्मी की तरह है, सोनिया बिल्कुल अपने पापा के जैसी लगती हैं. बोलते हैं ना हम समटाइम्स, उसकी नाक तो बिल्कुल अपने छोटे भाई पे गई है, उसकी चाल तो बिल्कुल अपने चाचा के जैसी है, एक्सेट्रा. सो वी ऑल लुक सिमिलर टू आवर फैमिली मेंबर्स. हम सभी अपनी फैमिली मेंबर्स के जैसे दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलर जरूर होता है. एंड यस वी ऑल्सो लर्न good values, attitudes, behavior from our family members. इसके साथ हमारी family members की जो अच्छी आदतें हैं,
जो उनका अच्छा बिहेवियर है वो भी हमारे में आता है, दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम आर फैमिली मेंबर्स। क्लियर? तो ये क्या है, ये सब हमारी फैमिली को रिसेम्बल करता है। वी रिसेम्बल टू आर फैमिली मेंबर्स बिकॉज ऑफ आर फेशियल फीचर्स, बिकॉज ऑफ आर फिजिकल फीचर्स, बिकॉज ऑफ आर एटीट्यूड्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द थिंग्स विच रिसेम्बल अस विद आर फैमिली मेंबर्स टू आर फैमिली मेंबर्स गेट टूगेदर्स इन अ फैमिली। एज वी नो दैट इन सिटीज वी सी इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव टूगेदर, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर नॉट लिविंग टूगेदर, स्पेशली इन द सिटीज। शहरों में हम देखते हैं कि सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं। देर आर सो मेनी रीजंस ड्यू टू देयर जॉब्स, ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन, ड्यू टू द हायर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। सो व्हेन डू वी मीट टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, हम कब मिलते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स से? ऑन द स्पेशल ओकेजंस लाइक वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, बर्थडे पार्टीज, there are so many functions, and also sometime death of our family members, of our close family members. Kuch family members ki death hone par bhi hamare sare family members hamare saath hote hain. Clear? So these are the few times, festivals, celebrations, jab hamare sare family members ek saath hote hain. And by that we learn about the values of the family, and by this also the family members come closer. Jab aisi get togethers hoti hain to we get the chance to know about our family members, to learn the good values from them. Bahut sari cheeze hum unse seekhte hain, bahut kuch hame seekhne ko milta hai, and saath mein sharing, loving, caring, patience, everything we learn from our family members. Yes, helping each other. Yes, we know that our parents do a lot for us. Har parent apne bachcho ke liye bahut kuch karta hai. All the family members love each other. Har family member ek dusre se pyar karta hai. They take care of each other. Ab ek dusre ka dhyan rakhta hai. Our family member also take care of us. Take good they always try to give everything which we want. जो भी हमें चाहिए वो सब हमें देते हैं। They take care of our health, they take care of our education, they earn for our family, है ना? सभी में, especially हमने देखा है fathers जो हैं वो earning करते हैं। Yes, mother हमारी family में cook करती हैं, सब कुछ हमारा ध्यान रखती हैं। Both father and mother help us in our studies, हमारी पढ़ाई में मम्मी और पापा दोनों हमारी help करते हैं। When we become ill, तो हमारा ध्यान कौन रखता है? They look after us, they take care of us, हमारा ध्यान रखते हैं। And what should we do? हमें क्या करना चाहिए? We can also help them, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। We can help our mother in the kitchen, किचन में हम मदद कर सकते हैं मम्मी की। We can serve our guest, जब गेस्ट आते हैं उनको हम सर्व कर सकते हैं। And we can do little bit household work also. छोटे मोटे काम भी हम कर सकते हैं। And very important thing, we keep our thing in a proper place. That is also a very big help to our parents. Yes, तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। And हमारी फैमिली भी हमारे लिए काफी कुछ करती है। So children, I hope today's revision is understood by all of you. जो आज हमने revision किया है वो सभी को समझ आया। You have to see this video 2 to 3 times, 2 से 3 बार आपको ये video देखना है ताकि everything will be clear to you. सारी चीजें आपको clear हो जाएंगी and you can revise the whole chapter easily. Yes? Thank you children. Stay safe, stay home.